IC 814 सीरीज पे बवाल हो गया है। बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स को समन भेज दिया। नेटफ्लिक्स से जो इंडियन कंटेंट के हेड है उन्हें समन भेज दिया गया और इस पूरे के पूरे मुद्दे पे क्लैरिफिकेशन मांगा गया। पूरा मुद्दा क्या है, पूरा मुद्दा हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो ये वेब सीरीज है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेना होगा, क्योंकि जब तक आप इस वेब सीरीज के बारे में नहीं जानेंगे, ये वेब सीरीज किसके ऊपर आधारित है, तब तक इस बवाल के बारे में आप नहीं जान पाएंगे। आपको बता दूं कि 1999 में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन द्वारा इंडियन एयरलाइन के विमान को हाईजैक कर लिया गया था और उसी के ऊपर इस वेब सीरीज को बनाया गया है। बताया जाता है कि ये फिल्म जो उस प्लेन के पायलट थे कैप्टन देवी शरण और पत्रकार संजय चौधरी की किताब फ्लाइट इंटू फियर द कैप्टन स्टोरी से इंस्पायर्ड है। इसके डायरेक्टर है अनुभव सिन्हा। अनुभव सिन्हा लगातार कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म देते रहे हैं, वो चाहे आर्टिकल 15 हो या फिर मुल्क हो। सीरीज 1999 की रियल लाइफ घटना पर आधारित है, जब काठमांडू से नई दिल्ली जाने वाली इंडियन एयरलाइन की उड़ान 814 को हाईजैक कर लिया गया था। फ्लाइट को अफगानिस्तान के कांधार से पहले कई जगहों पर उतरने के लिए मजबूर किया गया था। उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था। इस विमान को जिन्होंने हाईजैक किया था उनका नाम था इब्राहिम अख्तर, शहीद अख्तर, सन्नी अहमद, जहूर मिश्री और शाकिर। इन लोगों ने प्लेन को हाईजैक करने के बाद अपना निकनेम तय कर लिया था। एक का निकनेम था चीफ, एक का निकनेम था डॉक्टर, एक का निकनेम था बर्गर, एक का निकनेम था भोला और एक का निकनेम था शंकर। अब ये जो भोला और शंकर है इन्हीं नामों पे बवाल है। लोगों का कहना है कि आपने पहचान छुपाई है, आपने हिंदू देवी देवताओं का जो नाम है उसे बदनाम करने की कोशिश की है, ये सभी मुस्लिम कम्युनिटी से आते थे, आपने क्यों नहीं बताया कि इनका असली नाम क्या था। अब जो रियल स्टोरी है उसमें क्या ये नाम मेंशन था, लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या जो उस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि किसी का नाम इब्राहिम है, किसी का नाम कुछ है, तो क्या सच में वो लोग जो निकनेम इस्तेमाल किया करते थे, बोला, शंकर, डॉक्टर, चीफ, बर्गर, क्या ये सच में नाम थे क्या। जब हमने इस बात की जानकारी हासिल करनी चाहिए तो हमें 1999 में ये हाईजैक हुआ था। 2000 में होम मिनिस्ट्री ने इसको लेके एक पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जारी किया था, पूरे घटना के बारे में बताया था और उसमें उन्होंने बताया था कि जब ये प्लेन हाईजैक हुआ तो सच में ये जो हाईजैकर्स थे, ये जो आतंकवादी थे, उन्होंने एज अ निकनेम इन सभी नामों को इस्तेमाल किया था और उसी में से दो आतंकवादियों का नाम था, यानी उनका निकनेम था भोला और शंकर। और इसी सिनेरियो को दिखाते हुए, इसी पूरे के पूरे कास्ट को दिखाने के लिए इस निकनेम का इस्तेमाल अनुभव सिन्हा ने इस वेब सीरीज में किया है। और इसी को लोग बोल रहे हैं कि जब आप किसी चीज़ को डायरेक्ट करते हो, जब आप किसी को रिप्रेजेंट करते हो, जब आप हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हो, तो उस वक्त जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उसी चीज़ को दिखाया जाता है। लेकिन पूरा का पूरा बवाल इसी चीज़ पे है, लोगों का यही कहना है कि आपने उनका असली नाम क्यों नहीं दिखाया, आपने उनका असली नाम क्यों नहीं बताया। और इसी को लेके लोग बवाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपने भोला और शंकर का इस्तेमाल क्यों किया। हमने आपको बता दिया भोला और शंकर का इस्तेमाल क्यों किया गया था, उन आतंकवादियों का असली नाम क्या था, क्या सच में पहले आतंकवादियों ने भोला और शंकर का नाम, शंकर के नाम का इस्तेमाल किया था, यानी 1999 में जब ये हाईजैक हुआ था प्लेन के अंदर एज अ निकनेम खुद को पुकारने के लिए, तो हाँ किया गया था, ये एविडेंस है, ये होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है। अब इस पूरे के पूरे मुद्दे पे आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और नेटफ्लिक्स का जैसे ही इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन आएगा वो भी हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।